आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम ऑब्जेक्शन टू द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स बाय अदर पार्टी इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर सेकंड पार्टी या ऑपोजिट पार्टी फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट को चैलेंज कर सकती है। हमने जाना पार्ट वन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील करता है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन से। पार्ट वन ए डील्स विथ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और पार्ट टू डील करता है एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें दो चैप्टर्स पढ़ना है। चैप्टर वन जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड से डील करता है और चैप्टर टू जेनेवा कन्वेंशन। इन दोनों ही चैप्टर्स को न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत फॉरेन अवार्ड क्या है और जेनेवा कन्वेंशन के तहत फॉरेन अवार्ड क्या है, फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट के क्या क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फॉरेन अवार्ड, इन सभी टॉपिक्स को हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी ग्राउंड्स को समझेंगे जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर जो ऑपोजिट पार्टी है वो फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट को चैलेंज कर सकती है या फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। जब हमने सेक्शन 34 को डिस्कस किया तो हमने उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात किया जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर अदर पार्टी आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकती है। ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, और हमने सेक्शन 34 में उन सभी ग्राउंड्स के बारे में बात किया जिन ग्राउंड्स को अगर एक पार्टी प्रूव कर देती है तो कोर्ट उन ग्राउंड्स के बेसिस पर आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकता है, राइट। तो वही सेम ग्राउंड्स भी फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट पर भी लागू होते हैं। और अगर एक पार्टी उन ग्राउंड्स में से किसी एक ग्राउंड को या एक से अधिक ग्राउंड को प्रूव कर देती है तो आर्बिट्रल अवार्ड को जिस तरह से चैलेंज किया जा सकता था उन ग्राउंड्स के बेसिस पर, उसी तरह से फॉरेन अवार्ड के एनफोर्सिबिलिटी को भी चैलेंज किया जा सकता है दूसरे पार्टी के द्वारा। सो व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर ऑब्जेक्शन टू एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड बाय अदर पार्टी, या व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर पार्टी मे ऑब्जेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। पहला, अवार्ड गिवन हैज नॉट बिकम बाइंडिंग इन होम कंट्री। पहला ग्राउंड कहता है कि जो अवार्ड दिया गया है जिस पर्टिकुलर कंट्री में दिया गया है वो होम कंट्री है, और उस होम कंट्री में जो अवार्ड है उस पर्टिकुलर होम कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग
अवार्ड उस पर्टिकुलर होम कंट्री में बाइंडिंग नहीं है। तो द फर्स्ट ग्राउंड रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड इज, अगर एक पार्टी ये प्रूफ कर दे कि जो अवार्ड दिया गया है, जो फॉरेन अवार्ड दिया गया है, वो होम कंट्री में बाइंडिंग नहीं था। दूसरा, अवार्ड हैज बीन सेट असाइड और सस्पेंडेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ होम कंट्री, जिस पर्टिकुलर कंट्री में अवार्ड दिया गया है उस पर्टिकुलर होम कंट्री के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस फॉरेन अवार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है या सेट असाइड कर दिया गया है। तो दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ फॉरेन अवार्ड इन हाई कोर्ट। तीसरा, पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, जिस समय फॉरेन अवार्ड दिया गया पार्टी कैपेबल नहीं थी उस अवार्ड को रिसीव करने में। अब इसके कई ग्राउंड्स हो सकते हैं, जैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ था या मिस रिप्रेजेंटेशन, कोर्जन। इन ग्राउंड्स के बेसिस पर पार्टी क्या था, इनकैपेबल था उस समय अवार्ड को लेने के लिए। चौथा, अग्रीमेंट नॉट वैलिड अंडर द लॉ, जो अग्रीमेंट हुआ था दो पार्टीज के बीच, जिस अग्रीमेंट पर फॉरेन अवार्ड आया है वो अग्रीमेंट ही अपने आप में इनवैलिड था। पांचवा, अदर पार्टी हु इज गोइंग टू चैलेंज द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, अगर ये प्रूफ कर देती है कि पार्टी को नोटिस नहीं मिला था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कौन आर्बिट्रेटर है, और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जब इनिशिएट किए गए या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जब शुरू किए गए तो भी उसे नोटिफाई नहीं किया गया, यानी पार्टी हैज नो नोटिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। तो ये भी एक ग्राउंड है। और क्या कहता है, पार्टी वॉज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस। और लास्ट ग्राउंड कहता है, अवार्ड डील्ड विद डिस्प्यूट नॉट फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन, जो फॉरेन अवार्ड दिया गया है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर दिया गया है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन है, यानी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन के तहत नहीं आता था। अवार्ड गिवन वॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन। तो दीज आर 6 to 7 ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर जिस तरह से डोमेस्टिक अवार्ड को एक पार्टी चैलेंज कर सकती है सेक्शन 34 के तहत, लगभग उन्हीं सभी ग्राउंड्स के बेसिस पर फॉरेन अवार्ड को चैलेंज कर सकती है एक पार्टी। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा ग्राउंड है वो क्या है, कि जो अवार्ड दिया गया था वो होम कंट्री में बाइंडिंग नहीं था, या जो अवार्ड दिया गया था वो होम कंट्री के किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सेट असाइड कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो दीज आर 2 एडिशनल ग्राउंड्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। ऑन दीज ग्राउंड्स पार्टी में ऑप्ट फॉर रिजेक्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, राइट। तो ये था ऑब्जेक्शन या ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड बाय अदर पार्टी, राइट। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम
अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टेकल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ADR, इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे, राइट, जिसमें हम 4-5 पॉइंट्स के माध्यम से ADR के रियल इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या हर्डल्स हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। 4-5 और क्लासेस में आपका ये जो ADR का क्लास है, हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखते हो, समझते हो और नोट्स बनाते हो, तो ADR के पेपर में आप लगभग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।